देश के ज्यादातर राज्यों में एक बार फिर ठंड की वापसी होती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहां पिछले दो दिनों से बारिश हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन दिल्ली में अधिक कोहरा देखने को मिलेगा। सोमवार को आकाश में बादल छाए रहेंगे। सोमवार के बाद आकाश साफ हो जाएगा और उत्तर भारत में आए पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई राज्यों में बारिश हुई है। सोमवार को झारखंड के पलामू प्रमंडल और मध्य हिस्से में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है और सोमवार को राजधानी रांची में भी बादल छाए रहने के आसार हैं। कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। मंगलवार को इसका ज्यादा असर राजधानी रांची और आसपास के जिलों में भी दिख सकता है और मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि मंगलवार को कोल्हान और संताल प्रगना के कुछ हिस्सों में भी इसका असर दिख सकता है। इससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी, अधिकतम तापमान भी गिर सकता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर कम होने पर ठंड का एहसास भी ज्यादा हो सकता है। सोमवार को दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और ठंड की भी आशंका है। IMD ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वही IMD के मुताबिक दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार में बारिश हो सकती है। खासकर पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया आदि इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। मौसम विभाग ने यूपी के कई हिस्सों में भी 4 व 5 फरवरी को बारिश, ओले गिरने व बिजली गिरने की संभावना जताई थी और मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी मथुरा, आगरा, मेरठ, प्रयागराज व आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। वही राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, वाराणसी व आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। वही उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी तथा निचले इलाकों में बारिश होने से पूरा प्रदेश जबरदस्त ठंड की चपेट में आ चुका है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड और ओली में बर्फबारी हुई है। देहरादून सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय में हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश के आसार है। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं पूर्वी असम में हल्की बारिश संभव है।